हेलो दोस्तों, मैं अजय। स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे आज के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले मिले आपको। डेली करंट अफेयर के जो है 4:30 बजे सुबह वीडियो मिलता रहेगा। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, अब तक की जो खोजें हुई हैं उनके आधार पर भारत का जो इतिहास है कितने साल पुराना है। तो कितने साल पुराना है वो है लगभग 5000 साल पुराना है। सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई तो वही 3300 ईसा पूर्व। कब हुई? 3300 ईसा पूर्व जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है प्रारंभ हुई। देवन अम्पिया पियादासी के नाम से कौन जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है वो है अशोका। कौन? अशोका। अहमदाबाद शहर की खोज किसने की, अहमदाबाद जो शहर है उसकी खोज किसने की, तो वो की अहमद शाह ने। किसने? अहमद शाह ने। पांच नंबर क्वेश्चन है, रंगीला के नाम से कौन सा जो मुगल बादशाह है जाना जाता है, कौन सा जो मुगल बादशाह है वो रंगीला नाम से जाना जाता है, तो वह मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। अगर आपको इसे इसमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आपके स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, बाद में रिवीजन करने का आपका काम आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट साथ साथ में आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखें 6 नंबर क्वेश्चन, IMA सोशलिस्ट के जो लेखक हैं इस पुस्तक के वो कौन है, तो वह विवेकानंद। कौन है? विवेकानंद जो है IMA सोशलिस्ट के जो लेखक हैं। अल अमीन नामक न्यूज़पेपर है वो किसने प्रकाशित किया था, तो किसने किया था वो किया था मोहम्मद अब्दुर रहमान साहिब ने। भारत के पूर्वोत्तर भाग में सबसे पहले ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई, कहाँ पर लगाई गई, तो वह उड़ीसा के अंदर। भारत के जो पूर्वोत्तर भाग है वो सबसे पहले उसमें ब्रिटिश फैक्ट्री है वो उड़ीसा के अंदर लगाई गई। किसने सती प्रथा को गैर कानूनी और दंडनीय जो है घोषित किया, तो किसने किया वो किया लॉर्ड विलियम बेटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेटिक ने। ऐतिहासिक खुदाई से जो पूरे के पूरे शहर निकले उनके क्या नाम है, जो पूरे पूरे खुदाई के अंदर जो है पूरे शहर निकले उनके क्या नाम है, तो उनके नाम है हड़प्पा, डोलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगान। स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहे, रिवीजन के लिए आपके काम आएगा। आगे देखेंगे गुजरात जो राज्य उससे संबंधित जो इंपोर्टेंट टॉपिक बनते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है कि गुजरात राज्य की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है वो है एम विजय रूपाणी जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश है वो है विक्रमनाथ, लोकसभा जो सीट है वहाँ की वो है 26, राज्यसभा जो सीट है वो है 11, विधानसभा सीट है वो है 182। कितनी है विधानसभा सीट? 182। गुजरात की समुद्री तट से जो जो लंबाई है वो कितनी है समुद्री तट से, वह 1214 किलोमीटर जो है समुद्री रेखा बनती है गुजरात की। तो साथ में एक ध्यान देने वाली बात भी है, जो ये रेखा है वो यहाँ से इस प्रकार से गुजरती है, आपको मैप के द्वारा भी बता दें। और जो गांधीनगर है वो इसकी राजधानी है। यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो 26 और राज्यसभा है वो 11, विधानसभा सीटें वो हैं 182। वीडियो को पूरा देखेंगे, आखिर में आपके से जो है एक सवाल पूछा जाएगा, इस वीडियो का ही जो सवाल होगा वो आपसे पूछा जाएगा आपका, जिसको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा। और जो राइट आंसर देगा उसका अगले वीडियो के अंदर जो है हिस्ट्री का जो भी वीडियो आएगा उसके अंदर आपका जो है नाम दिया जाएगा। सभी जो राइट आंसर देंगे उन विजेताओं के जो नाम है अगले वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियो के अंदर से पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। नेशनल पार्क है वो कौन से है गुजरात के अंदर, वो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंधा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल जो पार्क वो है गुजरात के अंदर स्थित है। कर्क रेखा है वो भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है? कर्क रेखा वो है इसी गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें कौन से 8 राज्य वो देख लेंगे, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
जो है कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें साथ में रिवीजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत कब हुई थी? हड़प्पा संस्कृति की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2600 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 2600 ईसा पूर्व के अंदर। अशोका किस साम्राज्य का सम्राट था? जो अशोका है वो किस साम्राज्य का सम्राट था? तो वो था मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अशोका ने पश्चाताप कर बौद्ध धर्म अपनाया? तो किसके युद्ध के बाद? वह कलिंग का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद है पश्चाताप करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया अशोका ने। अगला है, एंडिकेट्स ऑफ अशोका किस लिपि में लिखी गई है? तो किस लिपि में लिखी गई है? वो है ब्राह्मी लिपि में। किस सम्राट की हत्या के बाद मौर्य जो वंश है समाप्त हो गया? तो है भ्रातृदत्त के हत्या के बाद जो है मौर्य वंश समाप्त हो गया। अगला है, गुप्त जो वंश है उसकी राजधानी कौन सी थी? वो थी पाटलिपुत्र। जो गुप्त वंश था उसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। किस राजा की मृत्यु के बाद गुप्त जो वंश है वो नष्ट हो गया? तो वह शशांक गुप्ता के बाद। किसने दिल्ली को दोबारा स्थापित किया था? तो वो किया था अनंगपाल तोमर ने। किसने? अनंगपाल तोमर ने। सोमनाथ के मंदिर को किसने तबाह किया था? तो किसने किया था? वो किया था मोहम्मद गजनवी ने। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। तेरेन की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो वो हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जो तेरेन की लड़ाई है वो हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। स्क्रीन शॉट अगर नहीं लिया तो ले लें रिविजन के लिए। आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंदवाड़ा युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी ने किसकी हत्या की थी? तो किसकी की थी? वो की थी जयचंद की। जो जयचंद है उसकी हत्या की थी मोहम्मद गोरी ने छंदवाड़ युद्ध के दौरान। कुतुबद्दीन ऐबक की कौन सा खेल खेलते हुए मृत्यु हुई थी? कौन सा खेल खेलते मृत्यु हुई थी? तो वह पोलो खेल खेलते हुए। मालवा सल्तनत को किसने स्थापित किया था? किसने किया था? वो किया था दिलावर खान ने। किसने? दिलावर खान ने। अगला है, आज मालवा सतलज नाम किस से जानी जाती है? तो किससे? तो है उत्तर भारत के नाम से। उत्तर भारत के नाम से जो है मालवा जो शासन था उसको अब जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले रिवीजन के लिए। आगे देखेंगे केरल राज्य को। केरल राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो देखेंगे। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1956 के अंदर, 1 नवंबर 1956 के अंदर इसका जो है निर्माण हुआ था। मुख्यमंत्री है वह विजय रूपाणी, पिन्नारे यानी जो विजयन है वो इसके मुख्यमंत्री। राज्यपाल है वो है अशरफ मोहम्मद खान। विधानसभा की जो सीटें हैं इनकी वो है 141। लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 20। राज्यसभा की सीटें हैं वो है 9। और जो यहाँ के जो जिले हैं टोटल वो है 14। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस है मणि कुमार। जस्टिस मणि कुमार जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और जो यहाँ की लैंग्वेज है मुख्य लैंग्वेज वो है मलयालम और इंग्लिश। ज़्यादातर यहाँ पर इंग्लिश और मलयालम बोली जाती है यहाँ की भाषा के अंदर। यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं वो है भरत पुंजा, कलंदा, कलपति पुंजा, कोरैयार आर, मुनेर आर, पेरियार, पोनान आर, पुलटोड, वरटार, ये यहाँ की मुख्य नदियां हैं। यहाँ के जो त्यौहार है वो कौन से, वो देख ले। वो त्यौहार है वो है ओणम, वार्षिक विसाष्टमी उत्सव, विशु और विशु सरकार मना, संस्कार मना, जो यहाँ के त्यौहार है। ओणम में जो यहाँ का मुख्य त्यौहार है, नेशनल पार्क वो है एराविकुलम नेशनल पार्क, मेथी केटन सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनमुंदी सोला नेशनल पार्क, पबन दाम सोला नेशनल पार्क। यहाँ के जो है मुख्य नेशनल पार्क हैं।
यहाँ के जो फ्लोक डांस है यानी लोक नृत्य यहाँ के, वो है मेन नृत्य यहाँ का जो है वो है कथकली। और उसके बाद जो और भी जो नृत्य है उनके नाम कुछ इस प्रकार है, ओटन, थुलुलल, मोहिनीअट्टम, केकोटिकाली, ये यहाँ के मुख्य नृत्य भी हैं, लोक नृत्य यानी फ्लोक डांस है यहाँ के। आगे वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ के वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ की यानी वन्य जीव अभयारण्य वो कौन से कने वो भी देख लें। अरलम वन्य जीव अभयारण्य, चिमनी वन्य जीव अभयारण्य, चिनार वन्य जीव अभयारण्य, चुल्लानूर मोर अभयारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य, कोटियूर, कुरिनिजी माला जो अभयारण्य है, मालाबार वन्य जीव अभयारण्य है, मालाबार वन्य जीव अभयारण्य और पेपरा वन्य जीव अभयारण्य, सेनुडुरिनी वन्य जीव अभयारण्य, थाटे कड़क जो पक्षी अभयारण्य है वो, ये यहाँ के मुख्य जो अभयारण्य है। आगे जो आपका जो टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो आपको बता दें, और जिसका आपको राइट आंसर देना है कमेंट के द्वारा। ये क्वेश्चन है जो इसी वीडियो के अंदर से पूछा गया है, इसी वीडियो के अंदर जो है इसकी जानकारी दी गई है, और इसी के अंदर पूछा गया है रिवीजन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको आंसर देना है इसका नीचे कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले सभी विजेताओं का जो नाम है अगले हिस्ट्री की जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर इसका जो है नाम दिए जाएंगे इसके आंसर देने वाले सही विजेताओं की। तो आपको बताना है कि गुजरात की राजधानी कौन सी है, आपको बताना है गुजरात की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन आपके लिए हैं जामनगर, गांधीनगर, राजकोट या सूरत। तो गुजरात की राजधानी कौन सी है आपको बताना है, जामनगर, गांधीनगर, राजकोट या सूरत, कौन सी राजधानी है वो बताएं नीचे कमेंट के द्वारा। और शहीद विजेताओं के जो नाम है अगले हिस्ट्री वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ, ताकि हर नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।